दोस्तों आज की कहानी है, दीदी ये आपका ही घर है, बंटवारा ना करो। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। जिंदगी के रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। कृष्णा ने भाभी से कहा और चली गई। वो सोच रही थी कि कह तो दिया, पर स्वीटी की हकीकत सबके सामने कैसे लाएगी। स्वीटी और उसके बच्चे गर्मियों की छुट्टियां मनाने ननियाल आए हुए थे। हर साल गर्मियों की छुट्टियों में उनका यही कार्य कर्म रहता था, मगर ना जाने क्यों उन दिनों घर की बहुओं में झगड़े ही होते रहते। यहाँ तक कि माजी भी डांट डपट पर उतर आती। ये कहानी है वीरानी परिवार की। माँ बाऊजी के अलावा तीन बेटे बहुए, एक बेटी स्वीटी और कुल मिलाकर सब बच्चे थे। स्वीटी की शादी को लगभग 5 साल हो चुके थे। इस बार उसके आने के कार्यक्रम के हिसाब से ही सबसे छोटे बेटे कुणाल का विवाह कार्यक्रम तय किया गया था। सहर्ष विवाह संपन्न हुआ, सिवाय स्वीटी और सासू माँ के कुछ तानों के। कहीं खाने पीने के स्वाद में कमी तो कहीं रहने की व्यवस्था में। दान दहेज को लेकर भी सासू माँ थोड़ी उखड़ी उखड़ी तो थी, पर कुणाल और ससुर जी के आगे उनकी कुछ जहादा सली नहीं। खैर विवाह संपन्न हुआ, कृष्णा की डोली ससुराल पहुंची। जेठानियों ने जोरदार स्वागत किया। 2 दिन तक रस्में चली, जिनमें सभी को बहुत आनंद आया, मगर पता नहीं क्यों सासू माँ बात बात पर सिड़ जाती और उनका गुस्सा निकलता बड़ी बहुओं पर। कृष्णा ये सब देख हैरान थी, पर जहादा कुछ बोल नहीं रही थी। अभी नई जो थी, पहले सब कुछ ठीक से समझना चाहती थी। खैर इन्हीं सब सहल कदमियों के बीच स्वीटी की भी छुट्टियां कब खत्म हो गई पता ही नहीं चला। कृष्णा भी अब धीरे धीरे खुद को उस घर के अनुसार ढाल रही थी, पर एक बात वो समझ नहीं पा रही थी अब तक। जब भी स्वीटी का फोन आता भाभियों से बात करने के लिए, तभी क्यों सासू माँ नाराज होकर भड़कने लगती। हर वक्त बंटवारे के ताने, बिटिया के साथ मेल मिलाप के व्यंग्य, उनके प्रति सोच और व्यवहार पर सवाल, ना जाने क्या से उनके दिमाग में ये सब बातें चलने लगती थी। पर फिर वो इन बातों को ये सोच कर अनदेखा कर देती कि शायद सासू माँ चाहती हो कि उनकी बहुए जहादा स्वीटी के आगे अपना मुंह ना खोले।
आखिरी बड़ी ननद जो ठहरी, उसे लगा कि वो सहती हैं कि बहुए अपने दिल की बात किसी से ना करे। उसे ऐसा इसलिए लगता क्योंकि अमूमन सासू माँ ऐसा किया नहीं करती थी, पर जब भी स्वीटी आती या बहुए कहीं जाती या खास तौर से स्वीटी के घर जाती तो फसाद अचानक ही शुरू हो जाते। कुछ भी हो, उसे उनका ये व्यवहार बड़ा विचित्र लगता था। उसने कई बार कुणाल से भी इस बात का जिक्र किया, मगर उसने भी कोई खास तवज्जो नहीं दी इस बात पर। यूं ही 2 साल बीत गए, गर्मियों की छुट्टियां हो चुकी थी। इस बार कृष्णा ने सभी जेठ जेठा नियों के साथ मिलकर सप्ताह के लिए बाहर जाने का प्रोग्राम बनाया। सासू माँ ने इजाजत भी दे दी, सभी तैयारियां भी लगभग हो गई। स्वीटी भी अपने बच्चों समेत छुट्टियां मनाने आ चुकी थी। 3-4 दिन सब मिलजुल कर रहे। फिर उस शाम कृष्णा ने ही सबके सामने स्वीटी से कहा, दीदी हम सब 1 हफ्ते के लिए बाहर जा रहे हैं, आप तो हैं ही यहाँ। माँ बाऊजी का ध्यान रखिएगा, वापस आकर फिर हम सब साथ में एंजॉय करेंगे। बस इतना ही कहना था कि स्वीटी ने राई का पहाड़ बना दिया। अरे तो ये प्लानिंग चल रही थी मुझसे, चुप कर तभी कहूँ। 2 रातों से मुझसे बात करने कोई मेरे कमरे में क्यों नहीं आता, अभी मुझे आए 2 ही दिन हुए हैं। और सल पड़े सब सैर सपाटे पर, घर आए मेहमान की कोई कदर ही नहीं। कृष्णा ने बड़े अदब से जवाब दिया, पर दीदी ये प्लान तो पहले से बन चुका था, आप टिकट देख ले, माजी ने खुद इजाजत दी थी। फिर आप तो पूरा महीना यहाँ रहने वाली ही हैं, तो हफ्ते भर में प्रॉब्लम क्या है, बच्चे भी घूम आएंगे। ये सब सुन स्वीटी और भड़क गई। अब बच्चों का बहाना ना बनाए, उन्हें घुमाना ही है तो फिर कभी भी जाया जा सकता है। जब मेहमान आए हो तभी जाना क्या जरूरी है, मगर दीदी आप तो हर छुट्टियों में आते हो, तो फिर बच्चे कब जाए, कृष्णा ने पूछा। माँ जी आप ही कुछ कहिए ना, दोनों ही एक साथ बोली। इस पर सासू माँ कहने लगी, अब बहू तुम ही मान जाओ बेसारी बेटी का दिल दुखाना क्या अच्छी बात है। वैसे भी ससुराल में कहां उसको आराम मिल पाता होगा, जो यहाँ आके भी काम करे वो बेसारी। ये तो कोई बात ना हुई, पर माँ जी आप ही ने इजाजत दी थी। हाँ तो अब मैं ही मना कर रही हूँ, ये क्या बात हुई, बस कर। जेठानी जी ने हाथ पकड़कर चुप करा दिया। कृष्णा गुमसुम हो अपने कमरे में चली गई। भाइयों के आते ही स्वीटी ने भी नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। कृष्णा को सासू माँ ने भी उस रात खूब खरी खोटी सुनाई, इसीलिए मैं तुमसे कहती थी ना बनाओ कोई प्लान।
स्वीटी पूरा होने नहीं देगी, अब उल्टे। माजी को और ना जाने क्या क्या भड़काएगी, जेठानी जी ने कहा, मगर वो कृष्णा थी इरादों की पक्की, कहने लगी, दीदी जिंदगी के रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। उसने भी तह कर लिया कि इस महाभारत का अंत अब वो करके रहेगी बस। इस तह तक पहुंचना था कि गड़बड़ होती कहाँ है, और शायद कृष्ण इस बार भी कृष्णा के साथ थे। उस रात जब वो रसोई से लौट रही थी तो स्वीटी सासुमा के कमरे में उन्हें उसके खिलाफ खूब भड़का रही थी, यहाँ तक कि कुणाल के खिलाफ भी काफी कुछ कह गई। शायद कृष्णा समझ चुकी थी कि उसे क्या करना है। वो अगले दिन स्वीटी के कमरे में गई और उससे माफी मांगी। इस पर स्वीटी बड़ सड़ कर उसे गले लगा कर कहने लगी, अरे कोई बात नहीं भाभी, गलती तो हो जाती है, असल में माँ नहीं सहती कि आप लोग कहीं जाए, मेरा तो बस बहाना है, क्या करो समझती हूँ, वगैरह वगैरह। इसके बाद कृष्णा अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद स्वीटी बड़ी भाभी के कमरे में गई। वहाँ उनकी बहुत देर भैया भाभी से बात सीत सली। फिर सुबह सुबह वो माँ के कमरे में चली गई और नाश्ता भी वही मंगवा लिया, ये कहकर कि माँ जी नीचे नाश्ता करने नहीं आना चाहती। जेठानी जी नाश्ता लेकर ऊपर जा ही रही थी कि कृष्णा ने उन्हें रोक दिया, नहीं भाभी आज तो माँ को नीचे ही नाश्ता करने आना पड़ेगा, ये क्या कह रही हो, तुम वैसे भी मुझे पसंद नहीं करती, पर मुझे माँ जी के आगे निशा ना दिखाओ, पहले ही छुट्टियों का प्लान तुम मेरे माते डाल चुकी हो। कृष्णा तो पहले ही समझ चुकी थी कि ये खेल क्या है। उसने फिर कहा, भाभी मैंने कहा था ना कि जिंदगी के रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। मेरी बुद्धि रूपी कृष्णा ने मुझे रास्ता सुझा दिया था और अब मैं अर्जुन इस महाभारत का आज सदा के लिए अंत करने जा रही हूँ, कहकर उसने माँ जी को नाश्ते के लिए नीचे आने के लिए आवाज लगाई। नाश्ते के बाद कृष्णा ने स्वीटी से अचानक पूछ लिया, दीदी आप तो कहती थी माँ की तबीयत ठीक नहीं, वो नाश्ता कमरे में खाएगी, ये तो मुझे एकदम ठीक लगती है। सासुमा स्वीटी की और असमंजस भरी निगाहों से देखने लगी। इससे पहले कि स्वीटी कोई जवाब दे पाती, कृष्णा ने आगे बात बढ़ाते हुए कहा, भाभी आप भी तो छुट्टियां मनाने मेरे साथ जाना चाहती थी, हाँ मगर प्लानिंग मैंने ही की थी सारी, तो आपको क्यों लगा कि मैंने ये बात आपकी माते मंड दी। अब तक तो स्वीटी के सहरे की हवाइया उड़ने लगी थी, मगर वो कहाँ कुछ भी स्वीकार करने वाली थी, हर बात बस मुझे ऐसा लगा मुझे वैसा लगा कहकर टालने की आदत
आदत जो थी, पर इस बार सामना कृष्णा से था। वो उठी, पहले सासू माँ के कमरे में गई, फिर जेठानी जी के और फिर स्वीटी के। जब वापस आई तो हाथ में तीन फोन थे, एक उसका और दो कुणाल के, जिनमें थी स्वीटी की सिकनी सुपड़ी बातों की रिकॉर्डिंग। माफ कीजिएगा दीदी, मगर जरूरी था आपकी बातों को सबके सामने उजागर करना। कैसे आप भाभियों को एक दूसरे के खिलाफ और माँ को भाभियों के खिलाफ भड़काती हैं? कैसे उसने जेठानी जी के सामने सारा दोष कृष्णा के माथे मंडा था? कैसे उसने उसी के सामने खुद अपनी ही माँ की बुराई की थी? कैसे उस ने माँ से सुप कर नाश्ता रूम में खुद मंगवाया था और उनसे कहा था कि जानबूझकर ये लोग आपको और मुझे नाश्ता यही कमरे में देंगे? आज हर बात सबके सामने थी और स्वीटी स्तब्ध खड़ी थी, एकदम ब्रप, मानो काटो तो खून ना हो। सासू माँ भी सारी हकीकत सुन हैरान थी, मगर गलती उनकी भी तो थी। कभी बहुओं पर विश्वास ही नहीं करती थी, उनकी नजर में तो बहुएं उनके विश्वास के काबिल ही नहीं थी। तो कहती भी तो क्या, स्वीटी अपने कमरे में चली गई। सासू माँ कृष्णा पर नाराज तो बहुत हुई, पर कुछ कह ना सकी, और वो भी स्वीटी के पीछे पीछे उसके कमरे में चली गई। कुछ देर बाद कृष्णा उनके कमरे में गई, स्वीटी के पास बैठ उन्हें कहने लगी, दीदी आपका दिल दुखने की मेरी मंशा नहीं थी, मगर आए दिन हो रहे झगड़ों को रोकना भी जरूरी था, इसीलिए मुझे ये करना पड़ा। दीदी ये आप ही का घर है, इसका बंटवारा ना कीजिए, आपको ही कष्ट होगा। सबके साथ में ताकत होती है और आप एक ताकतवर मायके की धनी हैं, तो क्यों अपनी ताकत नष्ट कर रही हैं? ये सब करके चलिए, अब गुस्सा थूकिए और तैयारियां कीजिए, हम सब साथ में घूमने जाने वाले हैं, माँ जी और बाऊजी भी। स्वीटी ने कृष्णा को गले लगा लिया और एक महाभारत का बिना विनाश के अंत हुआ, और कुछ अहम रिश्ते और उनका प्यार जो वो खोती जा रही थी उसे भी वापस पा लिया।